हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम लोग खेलने लीजन के साथ एंड टुडे वी आर गोइंग अगेंस्ट एन एसडब्ल्यूएफ। यार मैं श्योर नहीं हूँ कि ये फोर मैन है या थ्री मैन एसडब्ल्यूएफ है, क्योंकि तीन बंदे तो मेरे सामने ही लॉबी में थे, एक बंदा बाद में आया था। और हाँ, अभी तक शायद तुम लोगों ने ऑलरेडी नोटिस कर लिया होगा कि कोई भी बंदा ऑब्सेशन नहीं है, यानी कि हमें डीएस की चिंता नहीं करनी है। पर हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है हम किसी को टनल करने वाले हैं। ओके, मुझे वहाँ पे केट दिख रही है, तो सबसे पहले उसके पास चलते हैं। ओके, सो इस जनरेटर पर काम भी थोड़ा सा ऑलरेडी हो के रखा हुआ है, यानी कि एटलीस्ट यहाँ पे दो सर्वाइवर होंगे। तो अपनी पावर यहाँ पे एक्टिवेट कर लेता हूँ। ओके, गेट ने ऑलरेडी हमारे और अपने बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, पर मेरे पास एक ड्यूरेशन ऐड हो ना, तो मेरे ख्याल से मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। ओके, तो अब मुझे बेसमेंट से किलर इंस्टिंक्ट फिर से आ रही है, तो हम लोग वहां पे चलते हैं। ओके, अब मुझे किसी और लोकेशन दिख नहीं रही अपनी किलर इंस्टिंक्ट में, तो मैं अपनी पावर यहाँ पर डीएक्टिवेट करता हूँ और हम लोग एडम के पीछे चलते हैं। ओके, दैट शुड नॉट हैव बीन अ हिट। मैं डेड हार्ट का वेट कर रहा था, मैंने थोड़ा प्रीमैच्योरली स्विंग कर दिया, मुझे लग रहा था हिट नहीं करेगा, बट चलो वॉट एवर। ओके, सो बारबेक्यू चलिए, मुझे दो बंदे दिखाई दे रहे हैं और दोनों हील कर रहे हैं, तो वहाँ पे चलते हैं और उनको दिखाते हैं कि लीजन के सामने क्यों हील नहीं करना चाहिए। ओके, सो स्पेशली अगर तुम्हें कोई ऐसे ज्यूक करने की ट्राई कर रहा हो, थोड़ा सा बस पीछे हटो और तब हिट ले जाओ। ओके, मुझे फिर से किसी की भी लोकेशन नहीं दिख रही किलर इंस्टिंक्ट में, तो अपनी पावर यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। और मेरे ख्याल से जब डाटा को एक्टिवेट हुआ था तब यू इंजर्ड थी, तो यानी कि अभी वो एग्जॉस्टेड होगी, यानी कि हमें डाटा की चिंता नहीं करनी है, बस देखे रहना है कि वो कहीं अचानक से ज्यूक ना कर दे। तो मुझे लग ही रहा था कि वो लास्ट सेकंड ज्यूक खिल जाएगी, बट नो वरीज, वी स्टिल गॉट हर ओवर हियर। मुझे पीछे से किसी की हीलिंग की आवाज़ आ रही है, तो वहाँ चलते हैं। Okay, Adam, thank you for the God palette. और अब हम लोगों ने एडम को भी डाउन कर दिया और मुझे केट भी दिखाई दे रही है। ओके, केट में तो मैं दो चॉइसेस देता हूँ, या तो तुम मुझे अपना पैलेट दो या तो तुम मुझे अपनी जान दो। गुड चॉइस केट। ओके, तो सबसे पहले इस वाली यूएवी पे अपना हुक कंफर्म कर लेते हैं। मुझे पीछे से कोई आवाज़ आ रही है। ओह, हेलो देयर। ओके, देखते हैं अगर हम दोबारा इसको डाउन कर सकते हैं कि नहीं। ओके, दैट्स 100% लाइट। ओके, मुझे पता भी नहीं था कि एडम फिर से उठ चुका है, तो अब उसके पास चलते हैं। और एडम ने उनको जूक कर दिया और मैंने गधों के यहाँ पर स्विंग भी कर दिया। ओके, लगता है यहाँ पे वो कहीं पे फंस गया था, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया और हमें यहाँ पे डाउन मिल गया। और बारबेक्यू चली में हम लोग को वहाँ पे उस क्यूई की लोकेशन दिखाई दे रही है, तो वहाँ पे चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हिल के ऊपर चलते हैं, उससे हमें हाइट एडवांटेज मिल जाएगा और उसको हिट करना थोड़ा और आसान हो जाएगा। ओके, बारबेक्यू चली पे दिख रहा है कि कोई एक बंदा एडम को बचाने जा रहा है और एक बंदा मैप के बिल्कुल ही दूसरे कोने में। सो एक काम करते हैं, जो एडम बचाने गया है उसके पीछे चलते हैं। ओके, सो मेन बिल्डिंग के अंदर मुझे कुछ स्क्रैच मार्क्स दिखाई दे रहे हैं एंड आई ऑल्सो हैव अ रफ आइडिया कि वो किधर होगा। तब गैराज के ओपन वाले साइड से चलते हैं। ओके, मुझे लग ही रहा था ये इस फ्लैट के आसपास होगी, तो अच्छा किया कि हम लोग इस साइड से आए, क्योंकि अगर हम लोग सामने से आते तो उसको पता चलता कि हम लोग आ गए हैं, पर हम लोग क्योंकि इधर से आए थे तब उसको हमारी रेड लाइट जब तक दिखी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओके, सो यू जस्ट अभी भी रेस्क्यू हो गई है।
ओके डोंट वरी यूई, हम तुम्हें टनल नहीं करने वाले, हम इसको भी यहीं पे छोड़ देते हैं और दूसरे एलयूए की तरफ चलते हैं। और हाँ, अगर तुम लोग एक अच्छे लीजन के अगेंस्ट जा रहे हो तो उसके सामने हील मत करना। मैं क्या बोला है, अगर तुम लोग अच्छे लीजन के अगेंस्ट जा रहे हो, अगर तुम लोग देख रहे हो कि तुम लीजन हिट नहीं कर पा रहे तो तुम हाँ हील करो, ऑफ कोर्स करो। पर अगर तुम देख रहे हो कि एक लीजन जो लगातार हिट कर ले रहा है तुम्हारी पावर में, तो उसके अगेंस्ट हील करना बेकार है। क्योंकि यार लीजन एक ऐसा कह रहा है जो तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करवा सकता है। सबसे पहले मेंट करना पड़ेगा, फिर तुम्हें हील करना पड़ेगा, फिर शायद तुम जाके जेन पे काम करोगे। और तब तक अगर लीजन दोबारा आ गया तब वो तुम्हें दोबारा हिट कर देगा, फिर से तुम्हें साइकिल रिपीट करनी पड़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से अगर तुम एक अच्छे लीजन को फेस करते हो तो उसके सामने हील मत करा करो, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। उसके बजाय तुम जाके जनरेटर करो। जैसे कि तुम इसी गेम में देख सकते हो, अभी 4 जनरेटर बाकी हैं और मुझे ऑलमोस्ट शायद 4 या 3 होक ऑलरेडी मिल चुके हैं। ओके बैक टू द गेम, पे यूई को अपनी पावर के साथ यहाँ पे हिट करते हैं। अब एडम और अपने बीच का डिस्टेंस थोड़ा कम करते हैं। ओके अब यहाँ पे हम लोग अपनी पावर डीएक्टिवेट कर लेते हैं क्योंकि एडम ऑलरेडी 1 हेड का है। ओके मुझे लग रहा था या तो वो पैलेट कैम करेगा या तो पैलेट डाउन कर देगा, बट नेवर माइंड, यहाँ पे ट्राई करते उसको माइंड गेम करने की। एंड वी ऑल्सो गॉट ब्लड लस्ट एंड दैट्स अ हेड ओवर देयर। ओके मेरे ख्याल से ही इज डेड ऑन हुक। हाँ ही वॉज डेड ऑन हुक। और बाबू की जली में दो और सर्विस लोकेशन दिख रही है तो वहाँ पे चलते हैं अब। ओके सर मुझे डिस्कॉर्ड सब दिखाई दे रहा है, यानी कि दोनों बंदे इसी अल्टरनेटर पे आए हैं। ओके अब अपनी पावर यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं। अरे यार मुझे लगा था मैं बॉडी ब्लॉक कर लूँगा बट नहीं हो पाया। और पीछे मुझे अब गेट भी दिखाई नहीं दे रही, यानी कि हमें सीयूई का भी पीछा करना पड़ेगा। ओके वो अभी भी इसी लूप पे है। ओके वो बस हमको स्टन करके वहाँ पे जा रही है, दैट्स गुड फॉर अस। हमें इस पर ब्रेक करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, फिर भी उसका पीछा करते हैं। और इसके पास मैंने ऑलरेडी लाइट देखा था तो शायद इसके पास रिजॉर्ट नहीं होना चाहिए। ओके मुझे पता नहीं इसका लास्ट रुक है सेकेंड रुक था। ओके इसका लास्ट ओके था और वहाँ से मुझे साउंड नोटिफिकेशन आ गई तो वहाँ चल के देखते हैं क्या हो रहा है। ओके सो हमें यू ही दिखाई दे रही है, घर के अंदर से चलते हैं, यहाँ पे अपनी पावर यूज़ कर लेते हैं। ओके मुझे लगा तो पैलेट गिरा देगी बट नेवर माइंड, ओके सबसे पैलेट की तरफ जा रही है। ओके सो अभी के लिए अपनी पावर कैंसिल ही कर देते हैं। मैं सोचा था अगर ये वाले पैलेट से स्टन करके मुझे अपनी पावर से बाहर निकलते तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता, पर चलो कोई ना। व्हाट आई एम प्रीटी श्योर मैं लंच के लिए यहाँ पे गया था बट चलो कोई बात नहीं। अब इसको हुक करके देखते हैं बारबेक्यू चिली में कि अगर लास्ट बंदे की लोकेशन हमको दिखाई दे रही है कि नहीं। ओके मुझे लास्ट बंदा दिखाई दे रहा है, वो हिल के ऊपर है मेरे ख्याल से, उधर ही चलते हैं हम सीधा। ओह सो चेस्ट सर्च करी जा रही है यहाँ पे। ओके डूड यू डोंट नीड टू वेस्ट योर फ्लैश लाइट, मुझे पता है कि तुम वहाँ पे हो। ओके मुझे लग रहा है कि इसको टॉक्सिक बनना था डाउन होने से पहले, पता नहीं क्यों, बट वॉट एवर डूड। ओके सो दैट्स गोना बी इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करना,
अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब करना। टिल देन सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।